नमस्कार, कॉग्निशन एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स जहाँ पे इज्जत, पैसा, मान सम्मान, एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो एक डॉक्टर बनने की प्रोसीजर जो है वह क्या होती है, किन किन सिचुएशन से एक डॉक्टर्स बनने के लिए गुजरना पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में डिटेल्स से, है ना, इसके बाद जो है आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको जो बेसिक्स, फंडामेंटल्स डॉक्टर बनने के लिए चाहिए, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले जो है, अगर मैं बात करूं नीट, नीट जो है यहाँ पे देखिए, ऑल अबाउट नीट 2024 एग्जाम की। हम लोग ये नीट 2024 का पूरा प्रोसीजर जो है किस तरह से चला और कैसे कुछ दिनों बाद एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, है ना, और एडमिट कार्ड जो है, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपके पास अवेलेबल होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप लोग डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है वह किस तरह से चला, इस पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात जरूर कर रहे हैं नीट 2024 की, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे वैसे बच्चे जो अभी क्लास 11th में हैं, जिन्हें 2026 में एग्जामिनेशन को फेस करना है, वैसे बच्चे जो अभी क्लास 12th में हैं, 24 में, और उन्हें नेक्स्ट ईयर जो है एग्जामिनेशन देना है नीट का, उनकी पूरी की पूरी तैयारी जो है वह किस तरह की होनी चाहिए और एग्जामिनेशन कब होगा, है ना, पूरा का पूरा सिलेबस जो है क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑल अबाउट नीट 2024 एग्जाम की, यहाँ पर आप देखो नीट, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको इस एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ता है। किसको फेस करना पड़ता है? नीट को। नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये वो टेस्ट होता है जिस एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की एक सीट जो है वह मिलती है, राइट। तो यहां पर देखिए नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही एग्जाम होता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोल रहे हैं नीट। तो नीट 2024 एग्जामिनेशंस में एलिजिबिलिटी क्या थी? एलिजिबिलिटी जो है अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होगा 2025, 2026, ये बदलने वाला नहीं है, जो बेसिक्स है वह बिल्कुल सेम रहता है। तो हम लोग इस वीडियो में एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होती है इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, है ना, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, जो एग्जामिनेशन होगा वह किस तरह का होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, इन सबों को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। कट ऑफ कितना जाता है ना, कितना परसेंटाइल जो है आपको लाने की जरूरत होती है मिनिमम, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जहां तक सवाल है नीट 2024 का और आने वाले दिनों में भी जो भी नीट का एग्जामिनेशन होगा, वह कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। ये जो नीट का जो एग्जामिनेशन होता है वह कंडक्ट कौन कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, राइट। यहां पे देखिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह क्या है? www.nta.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको आप नोट कर लें, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होगा उसको आपको यहीं से डाउनलोड करना है, इधर उधर से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा इस ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करना चाहिए, www.nta.ac.in। एग्जाम का लेवल क्या रहता है इस एग्जामिनेशन में?
तो एग्जाम का लेवल होता है ऑल इंडिया लेवल, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन होगा ऑल इंडिया बेसिस पर होगा, ऑल इंडिया लेवल पे होगा। एग्जामिनेशन का टाइप क्या है, दैट इज अंडर ग्रेजुएट, है ना, ये अंडर ग्रेजुएट यूजी के लिए होगा, क्योंकि आफ्टर ट्वेल्थ इस एग्जामिनेशन को आपको देना है, ट्वेल्थ के बाद। एक्सेप्टेड बाय मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया, तो यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन होगा नीट 2024 का, और आगे भी जो बच्चे जो है 25 में या जो बच्चे 26 में देंगे, तो उन्हें जो है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद कहाँ कहाँ एक्सेप्शन मिल जाएगा, तो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जितने भी हैं, हम पूरे डिटेल में बताएंगे कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने डेंटल कॉलेजेस हैं, और इसके अलावा, ठीक है, जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं इंडिया में, इसके अलावा जो है जो होम्योपैथी का होता है या यूनानी होता है या फिर जो वेटनरी होता है, इन सब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी एग्जामिनेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे नीट 2024 एग्जाम इंफॉर्मेशन के, कि एग्जाम जो है किस मोड से होता है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, स्कोर रेंज क्या होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, एक एग्जाम जो है वो कितने ड्यूरेशन का होता है, और इसकी मार्किंग स्कीम जो है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ एग्जाम की, आप जानते हो कि दो तरह का मोड जो है, ठीक है, आमतौर पर हम लोग देखते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जहाँ तक सवाल है नीट का 2024 का, ये एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड कहने का मतलब जो है पेन पेपर वाला एग्जामिनेशन होगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको सॉल्व करना है एमआरसी पर, राइट। तो मोड ऑफ एग्जाम जो है वो कैसा है, ऑफलाइन है। पीरियोडिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो वंस ए ईयर, साल में एक बार ये एग्जामिनेशंस होती है, हालांकि ये डिमांड किया जा रहा है क्योंकि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो पूरे लगन से जो है पूरे ईयर मेहनत करते हैं, देन आफ्टर जो है उनको अपॉर्चुनिटी जो है सिर्फ एक बार मिलता है, और एक बार में हो सकता है कि सडन जो मोमेंट है उनके लाइफ में जो है कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन जो है वो ठीक से नहीं दे पाते, तो एक से ज़्यादा बार हो, ठीक है, ऐसी डिमांड है, लेकिन अभी तक वो पूरी हुई नहीं है, एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही बार होता है। तो यहाँ पे देखिए पीरियोडिसिटी जो है साल में एक बार का है। स्कोर रेंज, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है नीट का, राइट, वो नीट का जो एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 720 मार्क्स का होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, तो 3 hours 20 minutes आपको पूरा मिलता है, यानी कि 200 मिनट्स का समय जो है इस पूरे एग्जामिनेशंस के कंप्लीट करने के लिए आपको दिए जाते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है, तो अगर एक क्वेश्चन जो है आप करेक्ट करते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं अगर आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है अगर आप गलत कर लेते हैं, देन दैट टाइम आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, और नेगेटिव मार्किंग क्या है, -1। तो सही जवाब के लिए +4 और गलत जवाब के लिए -1 होगा, राइट। अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज ऑफ पेपर की, तो लैंग्वेज ऑफ पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी के अलावा बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको अवेलेबल होते हैं, तो उसकी जरूरत तो है नहीं, ठीक है, आपके लिए इंग्लिश और हिंदी जो है वो बेस्ट होगा। अगर हम लोग नीट 2024 का पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के बारे में बात करें, तो टोटल जो है आपको 695 मेडिकल कॉलेजेस ऑप्शन में मिलते हैं, 318 डेंटल कॉलेजेस हैं, 20 एम्स कॉलेजेस हैं, 2 जिपमर कॉलेजेस हैं, 914 आयुष कॉलेजेस हैं, 47 BBSC बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री कॉलेजेस हैं। ये सारा का सारा जो मेडिकल कॉलेज है इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यू शुड पार्टिसिपेटिंग एज वेल एज बेहतर मार्क्स भी आपको लाने होंगे नीट
2024 के एग्जामिनेशन, और जो बच्चे 2025 और 2026 में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका प्रिपरेशन जो है किस लेवल का होगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी जो है आपको इंडियन होना चाहिए, हालांकि NRIs, PIOs, OCIs can also apply for NEET examination। जहां तक सवाल एज का है, तो एज की जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है नीट एग्जामिनेशन के लिए वह है 17 to 25 years, यानी कि मिनिमम जो है एज आपका 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। तो 17 से 25 साल के बीच के सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, नो लिमिट, 17 से 25 साल में आप जितनी बार एग्जामिनेशन होता है आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मार्क्स का जहां तक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो 12th क्लास में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पीसीबी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। पीसीबी कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो है नीट का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। क्लियर? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्लास 12th जो है आपको पास होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कम से कम 50 मार्क्स होना चाहिए, तभी जाके आप नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओबीसी, एसटी, एससी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स निर्धारित किया गया है, वहीं जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनके लिए 45% है ना। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है इन क्लास 12th क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से भी आपने रखा है, ठीक है, तभी चलेगा, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और साथ में इंग्लिश, तो बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी जो है वो दोनों आपका इंक्लूड है। क्लियर? तो पीसीबी से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही आपको 12th में पास होना चाहिए, और ये परसेंटेज जो है वो निर्धारित किए गए हैं, तो मिनिमम जो है ये मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी जाके नीट के एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं। अब देखिए नीट जो है वह कौन कौन सा कोर्स जो है आपको ऑफर करता है, तो जहां तक सवाल है MBBS, जिसकी चाहत सारे बच्चों को होती है कि हमें MBBS में सेट मिल जाए, तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो होता है 1,06,333। अभी का जो प्रेजेंट MBBS का सीट है वो कितना है, 1,06,333। इसमें एम्स के 2,044 सीट्स और जिपमर के 200 सीट्स इंक्लूड हैं। साथ ही साथ 55,468 सीट जो है वो होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, और 50,865 सीट जो है प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में है। आपको फोकस जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, या तो एम्स में आपको सीट्स मिल जाए या जिपमर में मिल जाए, या फिर ये जो सीट्स हैं 55,468 सीट जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, अगर यहाँ पर आपकी एडमिशन होती है तो काफ़ी कम बजट में, काफ़ी कम पैसे में जो है आप MBBS का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। 50,865 सीट्स जो है प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में है ज़रूर, लेकिन ये काफ़ी जो है कॉस्टलियर है, तो रैंक ऐसा लाएं कि आपका एडमिशन जो है आइदर एम्स में, जिपमर में, या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाए। MBBS के अलावा और कौन कौन सी सीट्स होती हैं, यहाँ पर देखिए जो अदर कोर्सेस हैं, ठीक है, जो अदर सीट्स होंगे वो किन किन डिपार्टमेंट में होंगे, तो BDS में आपको सीट्स मिलेगा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में, और यहाँ पर जो है मतलब MBBS में अगर नहीं मिला तो जो लो रैंक के बच्चे होंगे वो BDS में जा सकते हैं। सीटों की संख्या है 27,948। आयुष की बात करें, जहाँ पे आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सत्ता, होम्योपैथी है, यहाँ पर 52,720 सीट है। तो अगर आपका रैंक जो है MBBS के मन मुताबिक नहीं आया तो आप BDS, आयुष या BBSC और एज जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। BBSC अगर हम लोग बात करें तो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इसमें 603 सीट हैं, तो यहाँ पर भी आप एडमिशन जो है ले सकते हैं नीट के थ्रू। अब देखिए अगर हम लोग सीट मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो नीट UG का जो सीट
एलोकेशन है वो बेस्ड होता है नीट ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के रूप में। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो 100% जो स्टेट्स हैं उसमें 50% जो है वो ऑल इंडिया कोटा वाले आएंगे। कहने का मतलब है अगर हम लोग रिम्स की बात करें तो रिम्स में जो 50% सीट्स होगा वो ऑल इंडिया कोटा से आएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 85% सीट्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट वाले बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे, राइट। तो जिस स्टेट में ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चों को ज़्यादा चांस मिलता है, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि स्टेट कोटा में 85% सीट्स हैं। तो वैसे स्टेट जहाँ पर कॉलेजेस कम हैं वहाँ के बच्चों को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, तो वहाँ पर उनको ऑल इंडिया रैंक में आना होगा ऑल इंडिया कोटा के सीट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट कोटा जो है 85% है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये जो स्टेट कोटा आया 85%, उसमें भी आपका जो कैटेगरीज वाइज जो है यूआर एसटी एससी ओबीसी के लिए जो सीट निर्धारित है उसके हिसाब से जो है आपको मौका मिलेगा। इस कोटा सिस्टम को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे जीएमसी अगर हम लोग नागपुर की बात करते हैं, सपोज करिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, अगर यहां पर सपोज करिए टोटल जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स अगर सपोज करिए अगर हम लोग बात करते हैं 1000 है, तो 1000 में जो ऑल इंडिया कोटा से आएंगे वो कितना आएगा 50%, ठीक है, कितने 15%। तो 15% कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 सीट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग है 850 सीट्स वो स्टेट कोटा वाले होंगे, ठीक है। स्टेट कोटा से कितना आएंगे 850। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो टोटल सीट्स अगर किसी भी स्टेट में अगर हम लोग देखें कि 1000 है, या इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम लोग नागपुर का एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज है ना, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह से होगा व्यवस्था कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1000 हैं तो ऑल इंडिया रैंकर्स या ऑल इंडिया कोटा से कितने आएंगे 150, और जो स्टेट के होंगे उसी स्टेट के होंगे वहां से 850 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो हर एक कॉलेज में कैटेगरीज वाइज जो है ये रिजर्वेशन का प्रावधान है। अगर हम लोग एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के अगर कोई बच्चे हैं तो उनको 10% का रिजर्वेशन है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अगर आते हैं तो 27% का कोटा जो है आपको हर एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए भी 5% जो है वो निर्धारित किया गया है। अब अगर हम लोग देखें एग्जामिनेशंस में कौन कौन सा पेपर जो है उससे कितने परसेंटेज मार्क्स पूछे जाएंगे, तो अगर हम लोग नीट की बात करें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट की, तो जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो 50% होगा, 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो बायोलॉजी के होंगे, फिजिक्स का 25%, केमिस्ट्री का 25%, या यो समझें बायोलॉजी को अगर दो पार्ट में बांट दिया बॉटनी जूलॉजी, तो बॉटनी जो है 25%, जूलॉजी 25%, फिजिक्स 25% और केमिस्ट्री 25%, ये क्वेश्चन होगा, सबको इक्वल वेटेज दिया गया है। अब अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, नीट 2024 एग्ज़ाम पैटर्न सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह का रहता है, आगे भी यही रहेगा। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो दो सेक्शन में बांटा हुआ रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन जो है आपको बनाने हैं, प्रोवाइड कितने होंगे 15, तो 15 प्रोवाइडेड 10 टू बी answered, राइट। तो यहाँ पे 35 सेक्शन ए के ऑल 35 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन बी जो है उसमें 15 में आपको 10 करने हैं, तो इस तरह से 45 क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना है, और इसके लिए जो है मैक्सिमम 180 मार्क्स जो है वो आपको मिलता है। केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में भी सेम होगा,
कहने का मतलब सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको करना 10 है, टोटल 45, टोटल मार्क्स 180। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो टोटल मार्क्स जो एग्जामिनेशन होगा नीट का वो होगा 720 मार्क्स का, और उसमें टोटल क्वेश्चन जो है 200 होंगे, और 200 क्वेश्चन में आपको बनाने हैं 180 क्वेश्चन। अगर हम लोग क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें, क्वालिफाइंग कट ऑफ की, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो अनरिजर्व हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 50% उनको लाना जो है बेहद ज़रूरी होगा। वहीं अनरिजर्व पीएच के लिए 45%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40%। लेकिन एक चीज़ को ध्यान देना है आपको कि ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, परसेंटाइल है, और परसेंटेज और परसेंटाइल जो है दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, अगर सपोज करिए, ठीक है, टोटल जो है आपका 720 मार्क्स का हो रहा है, तो जस्ट हाफ अगर लेके आते हैं 360, तो आपका कितना आता है, 50% आता है मार्क्स, ठीक है। 720 में 360 लेके आ गए तो 50% मार्क्स आया। लेकिन अगर हम लोग परसेंटाइल की बात करते हैं, जैसे सपोज करिए 22 लाख बच्चे जो है नीट 2024 का लगभग अपीयर करेंगे, तो टॉप 11 लाख के ऊपर अगर आप हैं तो आपका हो गया 50%। मतलब जितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन, उसमें से आपका 50% बच्चों से ज्यादा मार्क्स है, तो आपका हो गया 50%। उसको ऐसे समझिए, टोटल जो है अगर मान लिया जाए 100 स्टूडेंट हैं, है ना, और उसमें आपका 10th रैंक, कहने का मतलब है कि 90 बच्चों से आपका ज्यादा मार्क्स है, यानी कि आपका परसेंटाइल कितना हो गया, 90, ठीक है, 90% हो गया। हो सकता है कि आपका आउट ऑफ 100 जो है सिर्फ 40 मार्क्स है, क्वेश्चन हो सकता है टफ रहा हो, सिर्फ 40, लेकिन परसेंटाइल कितना हो रहा है, 90% हो रहा है। तो होप्सो आप लोग समझ गए परसेंटेज और परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल को एक बार फिर से समझिए, अगर टोटल जो है 100 स्टूडेंट हैं, आपकी रैंकिंग कितनी हो गई, 10th, यानी कि 90 बच्चों से आपका ऊपर है पोजीशन, तो आपका परसेंटाइल कितना हो गया, 90। क्लियर, चाहे मार्क्स का परसेंटेज कुछ भी रहा हो, लेकिन परसेंटाइल आप देख रहे हैं 90% हो जा रहा है। अब इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम लोग बात करेंगे टेंटेटिव शेड्यूल का, जो 2024 नीट के एग्जामिनेशन के लिए रखा गया था, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको 2025 और 2026 में जो एग्जामिनेशंस में अपीयर होंगे, इन्हीं टेंटेटिव डेट को अपने दिमाग में रखना है। कैसे, यहाँ पर देखिए, जो रिलीज ऑफ नीट 2024 नोटिफिकेशन है, ये दिसंबर 2024 रखा गया था। तो यहाँ पर देखिए, जो रिलीज ऑफ नीट 2024 नोटिफिकेशन, जो आपने एग्जामिनेशन जो है, सॉरी यहाँ पर 2023 होगा, तो यहाँ पे देखिए 2023 दिसंबर, है ना, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो है वो आया, ठीक है। तो जो 25 में एग्जामिनेशन देंगे, दिसंबर 2024 में फॉर्म फिलअप होगा, क्लियर, तो उसकी अकॉर्डिंग जो है आपको अपने प्रिपरेशन जो है वो करना है। यहाँ पे देखिए, नीट 2024 का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जो है 2025, या अगर हम लोग 26 में देखेंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 में आपका ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो होगा। ओपनिंग ऑफ द करेक्शन विंडो, अगर फॉर्म फिलअप करते समय जो है, हो सकता है कि सिग्नेचर आपका ठीक से नहीं आया है, है ना, या फोटोग्राफ में किसी तरह का गड़बड़ है, तो उसको सुधारने का एक मौका जो है, वो करेक्शन विंडो जो है वो खुलता है अप्रैल 2024 में, और ये अप्रैल चल रहा है, तो यहाँ पर ये मौका जो है ऑलरेडी उनको मिल चुका है। एडमिट कार्ड रिलीज डेट जो है थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2024 ये रखा गया था, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, अभी तक आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि कल परसों या 2 से 3 दिन के अंदर जो है एडमिट कार्ड जो है वो इशू हो जाएगा। जो एग्जामिनेशन होता है उससे 4 से 5 दिन पहले तक जो है आपका एनी हाउ एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, नीट 2024 का एग्जाम डेट जो है वो मई 2024 फर्स्ट
संडे जो है ये रखा गया है। तो यहाँ पर अगर 2025 में अगर देखेंगे तो इसी को आप मान के चले कि मई 2025 का जो फर्स्ट संडे होगा वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हो जा रहा है। तो वहाँ तक जो है आपको सारा का सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेना है। लॉट्स ऑफ रिविजन, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग जो है आपको कर लेना है। नीट 2024 रिजल्ट अनाउंसमेंट का जहाँ तक डेट का सवाल है, लास्ट वीक ऑफ जून 2024 तक जो है ये रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो लगभग जो है ये जो टेंटेटिव शेड्यूल है, इस टेंटेटिव शेड्यूल को अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका कोई भी डेट जो है वो मिस नहीं करेगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप 2025 और 2026 में जो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं नीट के एग्जामिनेशन में, तो इन सारे डेट्स को अपने दिमाग में रखेंगे, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जो कॉग्निजेंट एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फिनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती है और अच्छे इंस्टीट्यूट में या बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए मैंने थोड़ा एक प्रयास जो है छोटा प्रयास किया है, हमने एक ऐप जो है वो लॉन्च किया है, दैट इज़ कॉग्निजेंट इंस्टीट्यूट, है ना। ये आप गूगल प्ले में अगर आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। अदरवाइज जो है मैं इसका जो QR है, ये QR कोड जो है ये मैं शेयर करूँगा, या फिर ठीक है जो फ्रंट होगा वहाँ पर मैं डाल दूँगा। तो ये जो QR होगा उस QR के ज़रिए भी जो है आप इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको पूरा का पूरा फिजिक्स का डिटेल सिलेबस के साथ हम लोग थ्योरीज भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और बहुत सारे टेस्ट जो है वो मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। तो उन टेस्ट में आप अपना जो टाइम बाउंडेशन है, टाइम जो तय समय है उसके हिसाब से जो है आप कितना क्वेश्चन जो है वो कर पा रहे हैं, इन सब की प्रैक्टिस जो है बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एसोसिएट विथ मी। और ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं।